धार जिले के धर्मपुरी थाने पर गुरुवार को एक दुष्कर्म के मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। पीड़िता के आवेदन पर पीड़िता के पति इरफान, पिता सरदार सहित जीजा शादिक खान एवं अन्य पर धर्मपुरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करके 2 दिनों तक तो मीडिया को पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण से दूर रखा गया। मीडिया द्वारा जानकारी मांगने पर थाना प्रभारी द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जानकारी नहीं दी गई। फिर 2 दिन बाद मामले की जानकारी मीडिया को दी गई, तब तक आरोपी फरार हो गए। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि आरोपी इरफान द्वारा वर्ष 2015 से पीड़िता को दुख में अपने आप को सहभागी बनाने का नाटक कर पीड़िता को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया गया और शादी के झूठे दिलासे देता रहा। वर्ष 2018 में मौके का फायदा उठाते हुए पीड़िता को नशीली कोल्ड ड्रिंक्स पिलाकर पीड़िता की मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया गया और वीडियोग्राफी बनाई गई और फिर पीड़िता को वीडियो वायरल करने की बात पर ब्लैकमेल करके बलात्कार करता रहा। कुछ दिन बाद जब पीड़िता को गर्भधारण हुआ और जिसके बाद आरोपी इरफान और उसके सहयोगियों द्वारा नगर के निजी अस्पताल में पीड़िता की सोनोग्राफी करवाई गई और गर्भ की पुष्टि होने पर पीड़िता को धोखे से गर्भपात करवाया गया। जब आरोपी इरफान ने पीड़िता से शादी करने से इनकार किया गया तो पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया और आरोपी की रिपोर्ट करके थाने पहुंचे, जहां पहले तो आरोपी द्वारा शादी करने की बात करके समझौता किया, बाद में पीड़िता को शादी के दूसरे दिन जेवरात हड़प कर छोड़ दिया गया, जिसके बाद पीड़िता लगातार थाने के चक्कर लगाती रही। जिसके बाद आवेदन पर गुरुवार को धर्मपुरी पुलिस ने आरोपी इरफान, पिता सरदार निवासी नया मोहल्ला धर्मपुरी व जीजा शादिक खान व एक अन्य पर धारा 328, 342, 376, 376-2 एन 406-34 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया गया। लेकिन प्रकरण दर्ज होने के बाद से खबर लिखे जाने तक आरोपी पुलिस गिरफ्तार से बाहर है। पीड़िता का कहना है कि उसे जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही है। पीड़िता लगातार प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी एवं न्याय की मांग कर रही है। कैमरा पर्सन तोशिब शेख के साथ सैयद जफर अली की रिपोर्ट। पिता सरदार खान, जो कि हमारे मोहल्ले का ही रहने वाला है, वो पहले मेरे करीब आया। उसने मुझे मेरे दुख में सहभागी होने का पहले तो नाटक किया, फिर मुझे अपने प्यार का पूरा एहसास दिलाया, विश्वास करवाया। उसके बाद जब मैं अपनी सहेली के शादी में गई तो वहाँ से मुझे 29 अप्रैल 2018 को धोखे से खेत में लेके गया और मुझे नशीला पदार्थ, नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर धोखे से मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जिसकी वीडियो और ये बनाकर उसके वो लगातार वायरल करने की मुझे धमकी देता रहा। जब भी मैंने उसका विरोध किया, उसने मुझे धमकी दी, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया और इसी बीच लगातार जब वो मेरे साथ इस तरह की गलत काम करता रहा, जिसकी वजह से गर्भ धारण हुआ, जिसकी जानकारी मैंने इरफान को दी, तब उसने अपनी बहन जीजा के मदद से मुझे निजी हॉस्पिटल में लेकर गए और सोनोग्राफी की जाँच करवाई। उसमें धोखे से फिर मुझे गोलियां खिलाकर मेरा गर्भपात भी करवाया, मतलब भ्रूण की हत्या करी है धोखे से मुझे बताए बिना। इतना सब होने के बाद भी उसने दूसरी जगह जब सगाई कर ली और जब मैंने उसे कहा तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं अब तुझसे शादी नहीं करूँगा, तुझसे जो बनता है वो कर ले। तब इसकी जानकारी मैंने अपने घर वालों को दी, मेरे घर परिवार को बताया, तब हम सब मिलकर हम थाने पर गए उसके खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए, बलात्कार और मेरे साथ किए गए ब्लैकमेल, भ्रूण हत्या, इन सब के बारे में। तब उसके जीजा सादिक ने और बहन जुलेखा ने राजनीतिक दबाव से और अपने रसूखपूर्ण व्यवहार से मेरे उनके खिलाफ मतलब जो हो रही रिपोर्ट थी वो उन्हें नहीं दिया और वहाँ पर समझौता कर निकाह की पेशकश की और मेरे साथ दिखावटी और बनावटी निकाह करा और निकाह के 6 अप्रैल को निकाह कर अगले ही दिन, जिस दिन मुझे लेकर गए निकाह करा 6 तारीख को, और रात में भी ले जाने के बाद मेरी मर्ज़ी के बिना उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार किया। मैंने मना किया कि नहीं, मुझे अब बिल्कुल भरोसा नहीं है, तब भी उसने मेरे साथ मेरी मर्ज़ी के बिना ज़बरदस्ती की, रात भर जानवर जैसा सलूक किया और अगले ही दिन मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद जब उसके थोड़े दिनों बाद फिर उसने मुझे सरकारी वकील, उसने मतलब एक वकील के द्वारा मुझे नोटिस भेजा और उसमें यह मान लिख दिया कि ये निकाह बातिल है। और जब से ही हम लगातार थाने पर जाकर रिपोर्ट के लिए परेशान हो रहे, कर रहे, आवेदन दिया हमने, तब जाके अब हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई और अभी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं?
तब हम अभी भी हमें डर है, जब से हमारी रिपोर्ट हुई और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, हमें डरा धमका रहे हैं, तो हमें डर है। इसलिए मैं अब यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन तीनों की गिरफ्तारी हो। आरोपी इरफान द्वारा पीड़िता से 2018 से बलात्कार किया जा रहा है शादी का झांसा देकर, और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार बलात्कार कर रहा आरोपी। गर्भ ठहरने पर धोखे से उसका गर्भपात करा दिया गया आरोपी द्वारा। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 376, 328, 342, 34 IPC का पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के साथ एक और आरोपी है सादिक। सर आरोपी पुलिस गिरफ्त में या फरार है? आरोपी अभी फरार है, आरोपी के पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। Subscribe now to most exciting channel ever.